और वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए थे वेल्डिंग का। ठेकेदार के पास काम करते हैं जी, और 15,000 रुपये तनख्वाह है जी इनकी। 3 महीने हो गए जी उनको वहाँ पे काम करते हुए, तीसरा महीना लग रहा है जी। वो शाम को काम करने के बाद दिन छिपे 7 बजे के लिपेट अपने रूम पर लौट रहे थे। अंधेरा हो रहा था वहाँ पे और आतंकवादियों ने वहाँ पे गोली चला दी, और एक भाई के हाथ में लगी है, हमारे जो छोटा भाई है, एक एक साथी और था उसकी टांग में गोली लगी है। और फिर इनको वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। हमने कोई खबर पड़ी यहाँ पे, हमको थोड़ा सा उसका शुभ लगा, हमने बात करी, हमारे भाई ने बात करी, हमको पता नहीं लग पाया उस टाइम तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, 9 बजे तक। ये तो फिर हमें सुबह पता लगा जी, सुबह जब गांव बस्ती में यहाँ पे और भी बंदे गए हुए यहाँ से काम पे, कि उसके गुफरान के भाई के गोली लग गई। फिर हमने जो फोन किया वहाँ पे ठेकेदार के पास, ठेकेदार ने हमें कोई बात नहीं बताई। हाँ जी, ठेकेदार ने कोई, मैंने कहा भाई बात करा दो हमारी छोटे भाई से, उन्होंने कहा वो तो दूसरी साइड पे है इस तरह का। हाँ जी, उसने हमें बताई नहीं कोई खुली बात। वो तो फिर ऐसा हुआ जब गांव में बिल्कुल उसके फोटो भी आ गए हमारे मोबाइल में, हमारा एक भाई लुधियाना है उसके पास आया फोटो, उसने हमारे भेजे, जब जाके हमने देखा जी उसके हाथ में गोली लगी, और फिलहाल वो हॉस्पिटल में थे, वो हॉस्पिटल में से वो थाने में आ गए, वहां पे वहां भी इनकी वो चल रही है, छानबीन चल रही है। तो इस तरह का मामला हुआ जी। तो घर में जब परिवार में पता चला तो क्या? बस जी, घर में तो देखो कोई भी है, मतलब परिवार में सबको दिक्कत ही होती है, मान लो जोर पड़ता है जी कोई भी काम होता है इसमें, और तो फिर भाई है सब घर में है बिल्कुल, तो ये आज मामला सब घर में यहाँ पे रो राट मिच गया, सुन गया, ये हो गया आज मामला उसका। अच्छा, तू कब से काम कर रहा है और क्या इससे पहले भी कभी जाता था? हाँ जी, काम तो 5-6 साल हो गए जी, वेल्डिंग के काम पे जाते हूँ। अब उसमें साइड ठेकेदार के साइड होती है, मतलब कोई यूपी से लगाया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अभी हिमाचल रह पाया था 4 महीने में आसा, वहां से कुन्नूर पड़ता है इलाका चाइना के बॉर्डर पे। अब इसमें तो कहीं पे भी जाना पड़ जाता है जी। हाँ जी, ये मजदूरी टाइप का काम है जिसमें। पहले भी गए जी, पहले जम्मू रह गए हैं, पहले जम्मू में रह गए जी कई महीने, जब कोई दिक्कत नहीं हुई इनको, ये भी कभी आज का मामला जी। अब जो ये हुआ है घटना, इसको देखते हुए क्या कहूँ? बस इसमें क्या कह सके जी, देखो अब ये तो वहां पे भी बात हो रही, कश्मीर में कश्मीरी लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ से बाहर से आने के काम कर रहे हैं बंदे, उन पे जो हमले हो रहे वो गलत हो रहे, इस चीज को रोक की जाएगी। ये हो रहा जी मामला वहां पे भी, क्योंकि वहां पे भी न्यूज आ रही है, हमने सुनी है, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस पे कंट्रोल किया जाए, कि जो आतंकवादी बाहर के बंदों पे यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं और उस पर हमले कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऐसे काम ही बंद हो जाएंगे, उन्हें यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री लगेगी, कोई भी सिस्टम बनेगा वो फेल हो जाएगा, क्यों बाहर का बंदा तड़ रहेगा जी वहां पे, वो जा नहीं पाने का जी वहां पे। अब जैसे 2 बंदों पे हमले हुए तो 10 की आंखा खुलेंगी जी वहां पे, कि भाई यहाँ तो कौन भेज रहा, बड़े ही नहीं भेजने के घर से, जो बड़े हैं वो कहेंगे भाई अपनी मजदूरी यहाँ पे कर ले, 400 की 500 की ना कर, तो ये हमला बात होगी जी वहां पे। बस जी ये दहशत फैलाने के लिए काम कर रहे जी वहां पे, या कोई लोकली बंदे हो जी भाई, ऐसा हो जी यहाँ पे बाहर का बंदा ना काम करने के लिए आए, ऐसा भी हो सकता है जी कि भाई कोई बाहर का बंदा काम करने के लिए ना आए यहाँ पे, जब हम गोलाबारी करेंगे, दो हमले करेंगे, 4 करेंगे, 20 की आंखें खुलेंगी जी वहां पे, तो ऐसा भी हो सकता है जो लोकल के बंदे हो। ये बस जी, इस पे क्या कह सकते हैं, ये तो वही की जो सरकार है उसको ही कदम उठाना है जी, या फिर केंद्र सरकार के मामला है जी, वो उठाए उसको यहाँ से, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी वहां पे। अब बाहर के बंदे जो काम कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, इलाके में दिख रहा कि यहाँ पे कोई बाहर के बंदे काम कर रहे जी, वहां के लोकल थाने वो उस चीज पर गश्त बढ़ाओ, भाई यहाँ बाहर के बंदे काम करते हैं जी, वो है ना ये मामला। हम तो यही चाहते हैं कि वहां पे उस चीज का ध्यान रखा जाए, सुरक्षा दी जाए उन्हें। अब एक एक साइड पर 40-40 आदमी काम करते हैं जी, 50-50। अब रात में हमला किया तो 6-7 ही बंदे थे, इन पर 2 के लग गई, उसमें बच आदमी कोई पढ़ का बच गया, कोई इधर उधर लुक गया, सभी तो हो सकता है जी, वरना गोली आमने सामने भी लग सकती थी। पर ये तो ऊपर वाले की वजह थी, वहां पे बचा दी उन्हें, बस एक की टांग पे लगी, एक की पैर हाथ पे लगी। भाई जी हम तो ये कह सके वहां पे इस चीज की ध्यान रखा जाए। बस उस्मान से दोबारा बात हुई? हाँ जी, दोबारा तो नहीं हुई जी, अभी दोबारा करेंगे, बस अभी थोड़ी देर वो थाने में देगी वहां पे। हाँ जी।
वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। अजी तो पता भी गांव वालों ने ही बताया हमें, क्या लड़के बड़े लड़के ने फोन करा था 9 बजे। अच्छा, अच्छा उससे बात हुई सही? हरे बात उससे पहले कही है तो हम फिर एक लड़के ने आप सुबह बताया जी। अगर उसका सामान का पता है कुछ, वहाँ से कुछ बात ऐसी हुई, कहा लगा नहीं भाई मेरी बात हुई तो कोई बात नहीं है। फिर एक लड़का उसके पास ही था जो काम करा था उसके साथ ही, फिर हमने उससे बात करी, कहने लगा कि वो तो साइड पर गया गुफान। तो हम फिर बेफिक्र हो गए, मगर जब साइड पर गया तो जी फिर गांव से जब इधर उधर साते देखे परेशान से हुए, फिर हम भी प्रधान आए यहाँ से, कहने लगा मगर जो तो साइड पर गया। अच्छा फिर एक लड़का हो रहा आ गया, फिर उनने भी आके ही पूछा तो फिर हम उस लड़के को कहने भाई उसका नंबर दे हमें बात करवा हमारी। तो उनने फिर लड़के को पता नहीं क्या कहा, उनने बात करवा देंगे। तो उसके बाद फिर मेरी बात हुई लड़के से, उन्होंने कहा मम्मी मैं यहाँ से अभी और फिर करूंगा बात। तो इस तरह की हुई फिर। अच्छा फिर बहुत सारे आए, फिर पता लग गया बस सबका लग रही चोट, यहाँ देखी निशानियां लग रही, फोटो फट भी आज का वो तो नहीं पता होगा किस तरह लग गया हुआ, फिर वहाँ से तो नहीं पता होगा, हमें तो यहाँ सुनी फिर चोट। तो क्या मांग करते हैं आपसे? आज बस ये तो आप वही निपटाओगे जो उधर के हैं, हम इस बारे में। अच्छा जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह से गोलियां चलाते हैं, बेकसूर रूप है, जो यहाँ से काम करने जा रहे हैं, उन लोगों के पास क्या कहेंगे? जी गलत तो है ही, हमारे बच्चे तो मजदूर आदमी है, पीछे परिवार पड़ा, एक दिन पता नहीं किस तरह काट दो। देखा बच्चे गए हैं राज भैया ने फोन करा तो भाई पैसे की जरूरत पड़ी, अभी बीमार पड़े अबू भी पैसे भिजवा दो। वो तो नमासी अस्पताल में तो थोड़ी बात करी, फिर चलो बताऊंगा, फिर बताऊंगा, तब इंतजार कर रहे रोज यहाँ से। बहना है चार परेशान है, घर बार भी नहीं, आज घर बार भी नहीं, हम तो घर बार में तो अपने उसके घर में पड़े किराए पर पड़े यहाँ से। तो घर वाले और क्या काम करते हैं, कुछ ऐसा काम है? बस ये लड़का एक हो रिश्ता, इसके वेल्डिंग के काम पे उससे बड़ा। अरे हाँ जी उस्मान भी वेल्डिंग करता है? हाँ ये भी वेल्डिंग का ही करे, एक हो रिश्ता बड़ा वो भी वेल्डिंग का ही करे। अरे एक लुधियाना रहा भैया, बस वही मजदूर मजदारी करो जाए अभी। तो जब आपको पता चला, आप तो माँ है, जब आपको पता चला उसको गोली लगी तो आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? आज उसमें मदद होनी चाहिए। आपको मतलब दुख हुआ, दर्द हुआ? आज बोला दुख का तो काम ही है, ये कोई उसका काम थोड़ा ही, हम तो और पर हमें उसके ऊपर ज्यादा हो रहा है, अभी बीमार है, बड़ा लड़का भी बीमार है, इसका भी चंडीगढ़ इलाज चला, वहाँ की खराब हुई है बेकार। ये दो भाई अपना करो जहाँ, अपना पेट भरो जहाँ। क्या मांग करती हैं आप, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के? आज भी कुछ तो मदद होनी चाहिए ही, भारत के ऊपर ही जो भी कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये घटना हुई है, वहाँ मजदूरी के लिए गया था काम करने के लिए, और 2 महीने हो गए थे काम करते हो, 3रा महीना लग गया था। हाँ वो गोली गाड़ी चलाई वहाँ तक आज ना गोली लगी इसके भी। हाँ जी क्या कहोगे ऐसे लोग जो आतंकवादी इस तरह से? जी आतंकवादी सौरे गलत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सौरभ क्लेम करना चाहिए, इनका इंतजाम होना चाहिए। सौर आतंकवादी हुआ क्यों जी, जो बाहर के लोग गरीब आदमी मजदूरी करने गए उन पर गोली चला रहे, अत्याचार कर रहे, अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, कोई भी हो चाहे इसको क्यों जी। तो ऐसे लोग होना चाहिए इंतजाम सरकार से, क्या पर सरकार से मदद होनी चाहिए जी, गरीब आदमी मैं बीमार हूँ, लड़का बीमार है, ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? कार्रवाई गोली मार रहे हैं, मतलब कार्रवाई तगड़ी करनी चाहिए सरकार को, सरकार को देखना चाहिए, वैसे लोगों पर अत्याचार कर रही गरीबों पर सवरे। चलो अगर कोई बदमाश गुंडा उस पर अत्याचार कर जा कोई दिक्कत नहीं क्यों जी, लेकिन गरीबों पर अगर मजदूरी करने वालों पर अत्याचार कर जा तो गलत बात है क्यों जी, अच्छी बात थोड़ा ही है, सरकार को देखना चाहिए इस बात को, सरकार को इस बात का ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मजदूरी करने वाला मजदूरी का आया करने बेचारा क्यों जी, अगर तो अपना पेट पालना मजदूरी करेगा उन्हें, अगर मतलब पता देख लो उनको पता भी होगा आतंकवादी होगा नहीं, शुरू हाँ जी कुछ पे चलानी शुरू कर दी सौर ने, चलो सौरे गुंडों पर चलावा क्यों जी, गलत लोगों पर चलावा भाई, गलत दिख रहे गुंडे दिख रहे तो उन पर चलाओ गोली, अब गरीबों मजदूरों को गोली चला क्या मिला क्यों नहीं, अब गरीब तो मर जाएंगे बेचारे,
तो क्या कर सके, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो अपना मजदूरी करने गए, क्यों जी सरकार को इस बात का जो है वो लेना चाहिए, जो कंपनी वालों को भी सरों को लेना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए, क्यों जी हाँ उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनका इंतजाम करना चाहिए, जो कंपनी वालों का भी हक बैठ रहा, सरकार का भी हक बैठ रहा, कंपनी वालों का भी हक बैठ रहा, जो यहाँ से मजदूरों को ले जा रहे हैं, मजदूरों को मौत के मुंह में ले जा रहे हैं, घेर रहे हैं वहां ले जाकर, तो उन्हें कंपनी वालों को देना चाहिए, क्यों जी तो कंपनी वाले की जिम्मेदारी ना भी नहीं हुई जी शादी। क्या मांग करते हैं सरकार, कुछ ऐसा एक्शन ले, सरकार को जो है अपना पैसों को वो करे, कुछ मदद करे गरीबी को, गरीबों को मदद करे, क्यों जी।